नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 जून 2019 और स्वागत है आपका पहली बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट का सेकेंड एडिशन रिलीज किया गया। इसी रिपोर्ट के साथ नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स भी रिलीज किया गया है, हेल्थ इंडेक्स 2019। इस रिपोर्ट को देखो, डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा, टेक्निकल असिस्टेंस ली गई है वर्ल्ड बैंक से और कंसल्टेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर से। हेल्थ इंडेक्स 2019 की अगर हम बात करें, इस इंडेक्स के लिए देखो नीति आयोग ने स्टेट्स को और यूटीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। 23 हेल्थ इंडिकेटर्स के आधार पर यह इंडेक्स रिलीज किया गया है। कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स की हम बात करें, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट अमंग न्यू बोर्न्स 4th नंबर पे, प्रोपोर्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद फंक्शनल कार्डियक केयर यूनिट्स, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड प्रोपोर्शन ऑफ स्पेशलिस्ट पोजीशंस वैकेंट। तो ये कुछ प्रमुख इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर हेल्थ इंडेक्स 2019 जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगर पोजीशंस की बात करें, केरल को देखो ओवरऑल टॉप स्थान प्राप्त हुआ। केरल के अलावा आंध्र प्रदेश का स्कोर दूसरे नंबर पे रहा ओवरऑल। केरल के स्कोर की बात करें तो ये रहा 74.01, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का स्कोर रहा 65.13, महाराष्ट्र का स्कोर रहा 63.99। इसके अलावा देखो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस मतलब बेस ईयर अगर हम माने 2015-16 को और रेफरेंस ईयर अगर माने 2017-18 को, तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही? इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही हरियाणा, राजस्थान और झारखंड की। इसके अलावा महाराष्ट्र ने अपनी रैंकिंग में 3 पोजीशंस का सुधार किया है और कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, असम, इन्होंने अपनी रैंकिंग में 1 पोजीशन का सुधार किया है। सबसे खराब स्कोर देखो यूपी का रहा 28 के आसपास। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट जो कि है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट से संबंधित, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट ये है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को 25 करना है 2030 आने से पहले। देखो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। SDG गोल ये कहते हैं कि इस आंकड़े को करना है 25 तक। तो कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स ने इस टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, 8 जो इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं? 8 सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, राजस्थान, यहां पर देखो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। इनमें से देखो 3 ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट शो की है, बाकी 5 राज्यों ने इंप्रूवमेंट शो नहीं की है। इन 8 सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स को इंपावर्ड एक्शन ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के बारे में। बस एक छोटी सी चीज़ ये भी है, यूटीज में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है हेल्थ परफॉर्मेंस में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल इम्प्रेस्ड टोटोज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इम्प्रेस्ड टोटोइज को डिस्कवर किया है आंध्र प्रदेश में। देखो टोटोइज यानी कछुए की ये जो स्पीसीज हैं, इससे पहले इंडिया में नहीं देखी गई हैं। ये कछुए की स्पीसीज मिलती हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे बर्मा, साउथ ईस्ट चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, लेकिन पहली बार कछुए की इस स्पीसीज को देखा गया है इंडिया में। नाम है इम्प्रेस्ड टोटोइज, साइंटिफिक नेम है मनोरिया इम्प्रेसा। कछुए की इस स्पीसीज के स्किन और सेल का जो कलर है वो देखो गोल्डन ब्राउन है। आयुष्मान की रेड लिस्ट में इम्प्रेस्ड टोर्टोइज आता है वल्नरेबल कैटेगरी में। देखो मनोरिया जीनस के अंतर्गत कछुए की 2 स्पीसीज आती हैं, एक तो ये इम्प्रेस्ड टोर्टोइज और दूसरा है एशियन फॉरेस्ट टोर्टोइज। ये जो इम्प्रेस्ड कछुए का साइज है ना, एशियन फॉरेस्ट कछुए से रिलेटिवली छोटा है। पहले इंडिया में देखो मनोरिया जीनस के तहत सिर्फ 1 कछुआ मिला करता था, एशियन फॉरेस्ट टोर्टोइज, लेकिन अब रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इस जीनस के अंदर सेकंड कछुए को कहां पर
अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट में जो याजली एरिया है वहाँ पे इम्प्रेस टोर्टोइस को डिस्कवर किया गया है। लास्ट इम्पोर्टेंट बात, एशियन फॉरेस्ट टोर्टोइस जो है ये देखो लार्जेस्ट है मेनलैंड एशिया में और ये इंडिया में मिलता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रोबीम रोबोट बम्बल के बारे में है। जैसा देखो नाम से ही जाहिर होता है एस्ट्रोबीम ये एक प्रकार से रोबोट है जो स्पेस में ऑपरेट होगा अपने ही पावर का यूज करके, अपने ही पावर का इस्तेमाल करके। ये फ्री फ्लाइंग रोबोट सिस्टम है, स्पेस में ऑपरेट करेगा और एस्ट्रोनॉट्स की और रिसर्चर्स की हेल्प करेगा जीरो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नई नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए। इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी एस्ट्रोनॉट्स की मदद करेगा ये एस्ट्रोबीम रोबोट रूटीन वर्क में। समझ गए एस्ट्रोबीम रोबोट बम्बल है क्या? अभी फिलहाल कंटेक्स्ट देखो ये है, ये जो एस्ट्रोबीम रोबोट बम्बल है ना ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था अप्रैल 2019 में। अब इस एस्ट्रोबीम रोबोट बम्बल ने उड़ना स्टार्ट कर दिया है स्पेस में, ये कंटेक्स्ट है। अप्रैल 2019 में नासा के द्वारा इस प्रकार के दो रोबोट्स लॉन्च किए गए थे, एक तो बम्बल दूसरा हनी। इसी प्रकार का एक तीसरा रोबोट भी नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा एस्ट्रोबीम रोबोट जुलाई 2019 में, जिसका नाम होगा क्वीन। ये जो एस्ट्रोबीम रोबोट्स है ना नासा की फ्यूचर मिशंस में मदद करेंगे मून और मार्स को और बेहतर ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एस्ट्रोबीम रोबोट बम्बल क्वीन और हनी के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल जॉइंट एफर्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एट बांदीपुर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कर्नाटक तमिलनाडु केरल इन तीन राज्यों के जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। कहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई? बांदीपुर कर्नाटक में। मकसद क्या था तीन राज्यों के सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने का? मकसद देखो ये था कि तीनों स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मिलकर प्रयास करें और काफ़ी सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक इन्वेसिव प्लांट है जिसका नाम है सेना स्पेक्टेबिलीज। ये जो इन्वेसिव प्लांट है ना काफ़ी खतरा साबित हो रहा है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए, तो इस प्लांट से निपटने के लिए तीनों राज्यों के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मिलकर रणनीति तैयार करें। इसके अलावा वल्चर जो पॉपुलेशन है इंडेंजर्ड वल्चर पॉपुलेशन उसको कंजर्व करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन किया जा सके तीन स्टेट्स के द्वारा। और इसके अलावा रेडियो कॉलर जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके, फॉरेस्ट फायर्स को रोका जा सके और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स पर लगाम लगाई जा सके। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तीन स्टेट के फॉरेस्ट जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बांदीपुर कर्नाटक में। हम बात करें अगर बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, ये टाइगर रिजर्व देखो फॉर्म में आया था 2007 में। ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है और साउथ एशिया में लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एलिफेंट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ लगते प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो इसी टाइगर रिजर्व के साथ लगता नागरहोल नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो टाइगर रिजर्व है ना एक प्रकार से तीन स्टेट्स के जंक्शन पे है, तीन स्टेट्स के बॉर्डर पे है, कर्नाटक तमिलनाडु केरल। मतलब इन तीन स्टेट्स का बॉर्डर जहां पर मिलता है वहीं पर है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। एक रिवर जो ओरिजिनेट होती है नीलगिरी माउंटेन रेंज से पैकारा के पास मोयर रिवर, ये जो रिवर है ना बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 20 किलोमीटर तक मिंडरिंग करती है, मतलब इस प्रकार से घूमती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्लास्टिक पार्क से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? सरकार ने देखो चार प्लास्टिक पार्क्स को इस्टाब्लिश करने के लिए अप्रूवल दिया है। ये चार प्लास्टिक पार्क्स इस्टाब्लिश किए जाएंगे असम के तिनसुकिया में, मध्य प्रदेश के रायसेन में, उड़ीसा के जगत सिंहपुर में, तमिलनाडु के थिरुवल्लूर में। देखो प्लास्टिक पार्क्स एक प्रकार से डेडिकेटेड जोन होता है प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस डेडिकेटेड एरिया में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को, जैसे हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इंसिनरेटर, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स मशीनरी, ट्रेनिंग, इनक्यूबेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव मटेरियल टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें। और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होंगे ताकि वेस्ट को ठीक से मैनेज किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। जो ये प्लास्टिक पार्क इस्टाब्लिश किए जाएंगे इनको ऑपरेट करने के लिए देखो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल पर्पज़
व्हीकल सेटअप किया जाएगा, और ये जो स्पेशल पर्पज व्हीकल सेटअप किया जाएगा वो एक प्रकार से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा प्लास्टिक पार्क की गवर्नेंस के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सभी तरह की स्टैचुरी अप्रूवल के लिए, इवन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक पार्क्स के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल लुकोडर्मा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? DRDO साइंटिस्ट ने एक हर्बल ड्रग को डेवलप किया है लुकोडर्मा की ट्रीटमेंट के लिए। लुकोडर्मा देखो एक स्किन कंडीशन है, इस स्किन कंडीशन में वाइट पैचेस डेवलप होते हैं स्किन में मेलानिन की कमी की वजह से। 25 जून का जो दिन है वो इंटरनेशनल विटिलिगो डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। विटिलिगो का मतलब यही है एक ऐसा डिजीज जिसमें स्किन जो है अपने कलर को लूज करती है। लुकोडर्मा जो है वो देखो छूने से फैलता नहीं है, मतलब कंटाजियस नहीं है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी नहीं है। किस वजह से होता है? जेनेटिक कंडीशंस या फिर स्ट्रेस्ड इंड्यूस सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लुकोडर्मा के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने नीति आयोग की रिपोर्ट हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया के बारे में डिस्कस किया। हमने इम्प्रेस्ड टोर्टोइस के बारे में डिस्कस किया। एस्ट्रोबी रोबोट बम्बल के बारे में डिस्कस किया। हमने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस किया। प्लास्टिक पार्क्स के बारे में डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया लुकोडर्मा के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।